जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। नाकाम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। थोड़े सफल हो जाओ, उसके बाद बहुत सारे नए रिश्तेदार पैदा होंगे। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई कोई समझता है। जीवन के अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को न भूलें जो बुरे दिनों में आपके साथ थे। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने में होती है। शब्द भी एक भोजन है, शब्द शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले चख लीजिए, स्वयं का अगर अच्छा न लगे तो दूसरों को मत परोसिए। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, छलकती आंखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। जो चीज़ वक्त पर ना मिले वह बाद में मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी अजीब होती हैं ये यादें, कभी हंसा देती हैं कभी रुला देती हैं। अंदाज़ा तो लगाओ कभी अपने सुखों का और दूसरों के दुखों का। मुंह से यही निकलेगा, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। इंसान और पतंग ज़्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना वो कटने वाला है। खुश रहने का एक और तरीका है, जहाँ लगे कि आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ से खामोशी से खुद को अलग कर दो। उस मुकाम पे आ गई है जिंदगी जहाँ मुझे कुछ चीज़ें पसंद तो हैं पर चाहिए कुछ नहीं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वो दूसरों से रखता है। ये जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है, कुछ महकती हैं कुछ मुरझाती हैं और कुछ चुभ जाती है। लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। हम भी वहीं होते हैं, रिश्ते भी वहीं होते हैं और रास्ते भी वहीं होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नज़रिया। जिंदगी इतना दर्द नहीं देती कि मरने को जी जाए, बस लोग इतना दर्द देते हैं कि जीने को मन ही नहीं करता। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना नहीं आता वह सभी कुछ होते हुए भी दुखी मिलेगा। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लेते हैं। आदत बना ली है मैंने खुद को तकलीफ़ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ़ दे तो ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना जिंदगी वापस आती है ना जिंदगी में आए हुए लोग। मोह ख़त्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या फिर जिंदगी। बहुत कमज़ोर दिल था मेरा, इस दुनिया से मिले धोखे ने मजबूत कर दिया। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। खोकर पता चलती है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास कहाँ होता है। हर कोशिश में शायद सफलता ना मिल पाए, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मोहब्बत खास लोगों से नहीं होती, जिससे होती है वही खास हो जाते हैं। हर बुराई का इल्ज़ाम मुझ पर ही आया, कितना बुरा था मेरा अच्छा होना भी। कभी कभी किसी चीज़ की कदर और एहसास के लिए ज़रूरी है कि कुछ वक्त उससे दूर रहा जाए। जब रिश्तों में हर बात का मतलब समझाना पड़े और सफाई देनी पड़े, वो रिश्ते नहीं बोझ हैं। एक बात सुनो, कभी किसी पे हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, एक दिन उस उम्मीद के साथ खुद भी टूट जाओगे। जिसे डर ही नहीं था मुझे खोने का, वो क्या अफसोस करता होगा मेरे ना होने का। पता नहीं लोग उनको ही क्यों दर्द देते हैं, जो उनके लिए हर दर्द खुशी खुशी सहते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, यहाँ किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है।
मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों के इलाज के लिए। अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसल्लियां तो देते हैं लेकिन साथ नहीं। एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, और दस्तूर देखिए जितने मिले गिरगिट ही मिले। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जहर तो बिना मतलब के ही बदनाम है। घुमा कर देख लो एक नजर दुनिया में, शक्कर से मरने वालों की तादाद बेशुमार है। बातों से सीखा है हमने इंसानों को पहचानने का तरीका। जो लोग झूठे होते हैं वो अक्सर बातें बड़ी करते हैं। इज्जत तो सबको ही चाहिए लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। वजह चाहे जो भी हो, धोखा धोखा होता है। मैं वो खुशनसीब इंसान हूँ जो मतलब होने पर याद आता हूँ। बुराई दिल में रखने से बेहतर है इंसान नाराज़गी जाहिर कर दे। जिस चीज़ के या इंसान के हम ज़्यादा पीछे पड़ते हैं वो उतना ही भाव खाने लग जाता है। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपके भविष्य का फैसला कोई और लेता रहेगा। अनजान अपने आप से वो शख्स रह गया जिसने उम्र गुजार दी औरों की फिक्र में। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होगा। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर, ये कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर।